मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा मेरा खगड़िया लोकसभा में जिला अस्पताल है, जो कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के अभाव में आज जूझ रहा है कि खगड़िया लोकसभा सबसे पिछड़ा लोकसभा बिहार का है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी जान केवल इसीलिए गवाई कि वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। चिराग के पार्टी के नव निर्वाचित सांसद राजेश वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ा मांग रखा है। ये मांग उन्होंने लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के सामने जाहिर किया है। पहले उनके बयानों को सुनो। अध्यक्ष महोदया, मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले अध्यक्ष मोदी आपके माध्यम से खगड़िया लोकसभा की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यहाँ उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर दिया। महोदया, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि खगड़िया लोकसभा सबसे पिछड़ा लोकसभा बिहार का है। जहाँ एक तरफ हम लोग बाढ़ और सुखाड़ की मार तो झेलते ही हैं, वहीं मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा मेरा खगड़िया लोकसभा में स्वास्थ्य को लेकर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएँ हमारे यहाँ पर एकमात्र जिला अस्पताल है, जो कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के अभाव में आज जूझ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राशि हमारे जिले को आवंटित की जाए और साथ ही साथ हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की मांग है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ वहाँ पर सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी जान केवल इसीलिए गवाई कि वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय का अध्यक्ष महोदय का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हमारे लोकसभा क्षेत्र में हो, ये सुनिश्चित हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के बाकी राज्यों में जहां पर बिहार के लिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना कि नर निर्वाचित सांसद राजेश वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ा मांग रखा है। ये मांग उन्होंने खगड़िया के लोगों के लिए जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी मांग रखी है। इससे पहले भी राजेश वर्मा ने मीडिया के सामने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी बयान दिया था। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया टॉप।